कपिल सिब्बल के बयान पर आरजेडी नेता मनोज झा कह रहे हैं कि उन्हें उम्मीद है कि सर्वोच्च न्यायालय नजीर पेश करेगा। देखिए, मेरा सीधे तौर पर मानना है, बहुत बड़े वकील हैं और मैं कानून के उतना ही जानता हूं जितना विश्वविद्यालय में पढ़ाई की, लेकिन हमने कई मसलों पर देखा है कि जब कोई पीठ बैठती है और संविधान से संबंधित कोई मसला आता है, कई दफा दायरों के अतिरिक्त जाकर के बात होती है, फ्रेश इंटरप्रिटेशन होता है, ऐसा हमने देखा है। और संविधान जो जिंदा दस्तावेज है वो गवाह है। जैसे केरला ने 131 के अंदर जो इन्वोक किया है, जो सुप्रीम कोर्ट में है, वो तो गैर संवैधानिक नहीं है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि कई दफा फ्रेश इंटरप्रिटेशन भी होता है और ये मसला बहुत गंभीर है। ये मसला कहीं ना कहीं हमारे बेसिक स्ट्रक्चर को भी चोट पहुंचाता है। तो मुझे तो उम्मीद है कि सर्वोच्च न्यायालय हमारे जब बैठेंगे, हमारी पीठ बैठेगी, तो नजीर पेश करेगी और जो पुराना नजरिया था कि ये ऐसा हो जाएगा, ये संविधान असंवैधानिक हो जाएगा, उस तरह की चीजें संभवतः खारिज कर दी जाएगी। दिल्ली के शाहीन बाग में एक महीने से ज्यादा समय से प्रदर्शनकारी जुटे हुए हैं। सीए का विरोध कर रहे लोगों को मनाने के लिए पुलिस कोशिश कर रही है और उनके साथ शाम को बैठक भी की। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस से कहा कि केंद्र या दिल्ली सरकार की बड़ी अथॉरिटी के सामने अपनी बात रखना चाहते हैं, जिसको लेकर दिल्ली पुलिस ने कहा कि उनकी बात आगे तक पहुंचा दी जाएगी। तो शाहीन बाग इलाके में लगातार सीए के विरोध में प्रदर्शन चल रहा है। इस सबके बीच दिल्ली पुलिस ने प्रदर्शनकारियों के साथ बातचीत की है, एक बैठक की गई और प्रदर्शनकारियों के साथ पुलिस ने बातचीत कर उनसे विरोध प्रदर्शन को खत्म करने की बात कही। तो वहीं प्रदर्शनकारियों ने पुलिस से कहा कि केंद्र या फिर दिल्ली सरकार की बड़ी अथॉरिटी के सामने वो अपनी बात को रखना चाहते हैं। इसको लेकर दिल्ली पुलिस की तरफ से उन्हें ये भरोसा दिया गया कि उनकी इस बात को आगे तक पहुंचाया जाएगा। तो एक महीने से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन प्रदर्शनकारी लगातार सीए का विरोध कर रहे हैं।